धनबाद गया पुल के नीचे एक इलेक्ट्रिक दुकान में आग लग गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि 11,000 वोल्ट का तार गिरने से दुकान में आग लगी है। वहीं दुकान मालिक अनिल शर्मा ने बताया कि दुकान में इलेक्ट्रिक सामान रखे हुए थे। आग लगने से 1.5-2 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद अग्निशमन की टीम ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, मगर तब तक लाखों का सामान जल चुका था। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। शॉर्ट सर्किट से 11,000 का तार ऊपर से गिरा हुआ है, वही तार गिरने से आग। क्या कुछ नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है, हमारे भाई अनिल भाई है ये हमारा, इसका नुकसान हुआ। टेप का दुकान था, नया टेप वगैरह भी रखता था इसमें, कम से कम लाखों रुपये का क्षति पहुँची है। ठीक है, और भी अगल बगल में सब दुकान था, सबका सहयोग से आग पे काबू पाया गया, मगर सब लोग भी आ गए, प्रशासन के लोग, फायर ब्रिगेड सब को आ गए, सबको मिलजुल करके उठाया गया, मगर भाई का नुकसान हो चुका है। बहुत सारे लगा, सौ का तार को लगा वहाँ पर, तार बिछा हुआ लेटर का लेटर का भी है। क्या कुछ नुकसान हुआ आग लगने से? आग लगने से क्या कुछ नुकसान हुआ आपकी दुकान में? चला गया और पाप चला गया था, कचरा दिया गया था, सभी कितना नुकसान हुआ सर आग लगने से? अभी तो वो बताएंगे। एक ही दुकान में आग लगा तो मोहल्ले का।